Hello, Pichu. Let's read the question. Four point masses, each of value m, are placed at the corners of a square ABCD of side L. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to BD is. So, बच्चों गिवन है हमें एक स्क्वायर जिसके चार कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी पर एक एक कॉर्नर पर प्लेस्ड है मास वैल्यू के पॉइंट मासेस एम. सो ये मान सकते हैं इनकी वैल्यू है एम और ये पॉइंट मासेस हैं. अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक ऐसे एक्सिस से जो कि पास होता है पॉइंट ए से और ये बी डी लाइन को पैरेलल है. तो बी डी हम देख सकते हैं डायगोनल है हमारे पास. तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ फाइंड कर लेंगे द वैल्यू ऑफ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इनकी लेंथ. सो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. इट मीन्स दिस इज एल स्क्वायर रूट ऑफ टू. अब बच्चों हम फाइंड कर लेंगे हाफ ऑफ ईच डायगोनल दैट इज ए ओ ओ सी बी ओ एंड ओ डी. ये सभी वैल्यू सेम होगी तो दिस इज एल स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाय टू. तो इसका आंसर आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टू. अब हम फाइंड करेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द डायगोनल बी डी. सो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले द मास सिचुएटेड एट ए. तो ये वैल्यू है एम मल्टीप्लाइड बाय ए ओ स्क्वायर प्लस द मास सिचुएटेड एट बी दैट इज एम बट इसका डिस्टेंस बी डी से जीरो है तो दिस इज जीरो स्क्वायर प्लस द मास सिचुएटेड एट सी जो अगेन एम है और इसका डिस्टेंस बी डी से है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ सी स्क्वायर प्लस डी का अगेन सेम केस है बी के जैसा मास तो है एम बट एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जीरो है. तो अब इसमें से कॉमन आ जाएगा m और इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा l डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टू स्क्वायर प्लस l डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टू स्क्वायर एंड दिस इज इन ब्रैकेट. तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस bd और द डायगोनल bd इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास m l स्क्वायर. तो ये हुआ इक्वेशन नंबर वन. अब हम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्योंकि एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है यहाँ पर एक्सिस एक पॉइंट ए से पास हो रहा है बट वो बी डी को पैरेलल है और बी डी इस स्क्वायर के सेंटर से पास हो रहा है. तो हम लिख सकते हैं आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर जहाँ एच इस एक्स वाई एक्सिस और बी डी डायगोनल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसकी वैल्यू है एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टू दैट इज हाफ ऑफ द डायगोनल. तो वैल्यू पुट कर देंगे इसको लिखेंगे आई बी डी प्लस यहाँ मास के प्लेस पर चारों पार्टिकल्स का मास आ जाएगा दैट इज फोर एम और एच के प्लेस पर आएगा एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टू होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब बच्चों आई बी डी की वैल्यू है एम एल स्क्वायर प्लस यहां से मिल जाएगा हमें टू एम एल स्क्वायर. सो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 3ml square. सो द करेक्ट आंसर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑप्शन बी. थैंक यू.